हेलो एवरीवन, फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि कोई भी फाइनेंस की लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में एक वीडियो अपलोड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम लोग 3 इंट्राडे स्टॉक डिस्कस करते हैं, साथ में उनके प्रॉफिट और लॉसेस भी डिस्कस करते हैं, यानी प्रीवियस डे की परफॉर्मेंस भी देखते हैं। तो चलिए आज का वीडियो का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज के वीडियो का डिस्कशन में हम लोग ऐसे जो रिजल्ट आया हुआ है IRFC का, इसके गुड और बैड पॉइंट्स को देखेंगे, साथ में रिजल्ट की ब्रीफिंग करेंगे, क्या हमें इस पॉइंट में बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए, साथ में जो कल मैंने वीडियो बनाई थी उसमें जो मैंने बोला था टेक्निकल बेसिस पे कि हमें कहाँ पॉइंट तक मतलब ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिख जाएगा, कहाँ से हमें इसमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, वो सब चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधे मैं आपको लेके जाऊंगा पहले यहाँ के आपको रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट को मैं थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करता हूँ। देखिए सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे मिलियन में लिखे हुए हैं, अमाउंट इन मिलियन यहाँ पे आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। तो रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू आप देख सकते हो यहाँ पे 39,323 मिलियन से बढ़ के सीधे हो चुका है 44,549.65 मिलियन, यानी आपको 40% का जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत ही अच्छा जंप है, और ऐसा जंप आपको किसी भी अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में देखने को मिल जाए 44% का, तो उसके शेयर प्राइस में जाके देखिएगा, कम से कम नहीं भी तो 30% 20% इंक्रीज 1 से 2 दिन के अंदर आ जाता है। बट यहाँ पे वो मोमेंटम नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा, आपको टेक्निकल पैटर्न पे अभी समझाऊंगा। बात करें यहाँ पे ईयर बेसिस पे, तो ईयर बेसिस पे आपको नियर अबाउट 50% के आसपास का जंप देखने को मिलेगा। 134,210 मिलियन का जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है चेंज, वो सीधे आपको कन्वर्ट हो जाता है 157,704 मिलियन में, यानी रेवेन्यू गजब का। रेवेन्यू में आपको बहुत ही अच्छी इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बात करें यहाँ पर एक्सपेंसेस का, यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है, डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें यहाँ पर, तो प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर, प्रॉफिट आपको सीधे 4,000 मिलियन के आसपास आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा, यानी यहाँ पर भी आपको नियर अबाउट 40% की जंप आपको डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी देखने को मिल रही है। बात करें यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ईयर बेसिस पे, तो ईयर बेसिस में भी आपको नियर अबाउट लाइक 40% से 45% तक का जंप आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको देखिए कितना शानदार जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सीधे आपको 10,000 मिलियन का आपको जंप देखने को मिल रहा है। बात करें यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो लगभग आपको 4,000 मिलियन के आसपास आपको जंप देखने को मिल रहा है। अब बात करें यहाँ पे ईपीएस की, ईपीएस में गजब का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। बात करें ईपीएस, जो ईपीएस आपको 88 पैसे का था, वो ईपीएस बढ़ के आपको हो चुका है 1 रुपए 23 पैसे का, यानी लगभग आपको यहाँ पर आपको नियर अबाउट 55% का जंप देखने को मिल रहा है। अब डिस्कशन को आगे और बढ़ाएं तो यहाँ पर देखेंगे ईपीएस, यानी आपको ईपीएस जो है ईयर वाइज देखिएगा तो वहां पे भी आपको 40% का जंप देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिविडेंड का, तो डिविडेंड कंपनी ने कोई नहीं दिया, उसके लिए आपको यहाँ पे पॉइंट पढ़ने को डायरेक्टली मिल जाएगा, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ क्लियरली देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव रिकमेंडेड नो फाइनल डिविडेंड बियॉन्ड द इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹1.05 पर इक्विटी, यानी आपको यहाँ पे कोई भी डिविडेंड नहीं दिया गया, तो क्या हम इसे स्टॉक को बेच के निकल जाए? तो देखिए आपको टेक्निकल पॉइंट्स में बता रहा हूँ, इस स्टॉक में आपको बहुत अच्छी जंप देखने को मिली थी स्टार्टिंग में, की पॉइंट की बात करूं, और देखिए जहां पे मैं रेसिस्टेंस आपको बताता आ रहा हूं डायरेक्टली कि ₹26.32 के पास बहुत ही स्ट्रांग रेसिस्टेंस है, ₹26.32 के पास स्ट्रांग रेसिस्टेंस है, और यहां पर ये स्ट्रांग रेसिस्टेंस बार बार रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, यानी टेक्निकली हम सही है। टेक्निकल जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ आपको एकदम टेक्निकली यहाँ पे एक्यूरेसी 100% मिल रही है। अब ये जो रेसिस्टेंस यहाँ पर था ₹25.03 का, उसको ब्रेकडाउन कर चुकी है ये कंपनी, मतलब ये स्टॉक ब्रेकडाउन कर चुका है, यानी इसको तोड़ के ऊपर जा चुका है। अगर यहाँ पे आपको 3 से 4 दिन का सस्टेनेबिलिटी मिल जाता है तो ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख जाएगा। और बात करें यहाँ पर अगला रेसिस्टेंस आपको अगर ₹26.32 का रेसिस्टेंस पार हो जाएगा तो ₹29.67 का आपको रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। बाकी बात करें डिविडेंड वाले पॉइंट से, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, और मैं आपको डिविडेंड की बातें, जब डिविडेंड और बोनस दोनों की बातों पे लोग वीडियो बना रहे थे, मैंने आपको वीडियो बोला, एक वीडियो बना के बोला था बोनस आपको 100% नहीं मिलेगा,
90% चांस है कि डिविडेंड आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी मे भी लिखा होता था, और ये एक धोखा ही है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, इस स्टॉक को खरीदे या बेचे वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी इसमें कोई खरीदारी नहीं कीजिएगा जब तक कि गिरावट बहुत बड़ी, यानी कि 23 रुपए के सपोर्ट पे जब तक ना पहुंचे तब तक कोई खरीदारी ना करे इसमें। आज के लिए इतना, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब्बा खैर, आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।